गाइस वेलकम टू नेचुरल ब्यूटी विद चंदा। आज मैं आपको बताऊंगी हेयर कंडीशनर के बारे में। शैम्पू का तो मैं वीडियो आपको पहले ही दे चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, और कंडीशनर का मैं कितने टाइम से सोच रही थी लेकिन नहीं अपलोड कर पाई। तो मैं जिसका आज रिव्यू देने वाली हूँ गाइस, ये है पेंटिन का कंडीशनर। ये फिलहाल मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, और मैं डव का कंडीशनर यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैं एम्बे का यूज़ करती थी तो वो तो काफ़ी अच्छा है गाइस, एकदम लगा लो और उसी टाइम धो लो, उसमें रखने का झंझट नहीं है कि इतने टाइम के लिए हमें रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे वो फिलहाल नहीं मिला, तो ये पैंटीन का कंडीशनर मैंने मंगवाया, ये जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। तो इसका रिव्यू मैं कब से देना चाहती थी लेकिन मैं नहीं दे पाई किसी कारण से। तो ये हमें मिलता है 75 ml, और चलिए देख लेते हैं उसके बारे में प्राइस क्या है कैसे है। तो ये प्राइस की बात करें गाइस, तो ये है हमारा, तो इसकी जो एक्सपायरी डेट है ये 17 में बना है और 20 में ख़त्म होगा, मतलब 3 साल तक आप इसे यूज कर सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो ये हमें मिलता है 69 का। तो ये देखिए 70 तक आपका आ जाएगा ये, और ये बहुत अच्छा कंडीशनर है। जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था मैं उसी दिन से कह रही थी कि आपको रिव्यू दूंगी, ये बहुत अच्छा है ये, लेकिन मैं दे नहीं पाई। और फ्रेंड्स मैं इसे कैसे यूज करती हूँ मैं आपको अपना बताती हूँ। तो मैं शैम्पू करने के बाद इसको अप्लाई करती हूँ, उसको 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ बालों में, और उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लेती हूँ अपने बालों को, और मेरे बाल इतने स्मूथ बन गए हैं ना, इतने सॉफ्ट बन गए हैं, ये एकदम मेरा फेवरेट हो गया है। लेकिन मेरी आदत है नई नई चीज़ों को ट्राई करने की, तो ये पैंटीन का कंडीशनर बहुत अच्छा है ये, और 70 रुपीज़ के आसपास से आता है, तो ये आराम से आपका चल जाएगा। अगर आप जल्दी बाल नहीं धोते, अगर हफ्ते में 2-3 बार धोते हैं तो भी आराम से आपका ये 2-3 महीने खींच लेगा। मैं बिल्कुल ज़रा सा ही लेती हूँ, बहुत अच्छा है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।